धनुषा को धनुषा धाम में सार्वजनिक शौचालय को सेफ्टी टैंक की सफाई करने क्रम में एक जना को मृत्यु। रौताहाट में दुई मोटरसाइकिल ठोकिदा एक जना को मृत्यु। सिराहा में ट्रैफिक प्रहरी को अवैध उसूली धंधा। सरलाही में एक पुरुष मृत फेला। न्यूजीलैंड में भएको सवारी दुर्घटना में एक नेपाली को मृत्यु। मेडिकल व्यवसायी विशाल पंडित सहित 7 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारी संबंधी मुद्दा दायर। उप प्रधानमंत्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ द्वारा निर्माणधीन कमला पुल को निरीक्षण। मधेसी आयोग ने तराई मधेश को दक्षिण क्षेत्र को विकास में थप सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई गरे आग्रह। बाबर आजम फेरी बने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कप्तान।